तो गाइस फाइनली हम लोग जैसे तैसे बाबा हरभजन सिंह के ओल्ड वाले मंदिर पे पहुंच चुके हैं। कुछ भी नहीं, बाबा की पगड़ियां यहाँ रखी है, बाबा का बैज है, गुंडा है ये। जुलूक के रास्ते में एक व्यू पॉइंट है गणिक व्यू पॉइंट के नाम से, वहां पर रुके हैं। सो गाइस अभी हम लोग जुलूक के रास्ते में हैं और हमारे पीछे का रोड आप देख सकते हैं, क्या व्यू है, क्या नज़ारे हैं, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल। देख रहे हैं वो जिग जग पूरी की पूरी रोड बनी हुई है और उसी पे हम लोगों को अभी इसी रोड से अभी हम लोग को नीचे की तरफ जाना होगा, तो चलिए चलते हैं। सो गाइज सोचा जुलूक के बारे में थोड़ा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको शेयर करता चलूँ। ये जो जुलूक आप देख रहे हो ना, ये कभी तिब्बत से भारत का एक हिस्टोरिकल सिल्क रूट हुआ करता था। रूट है जिसको हम लोग सिल्क रूट के नाम से भी जानते हैं, या फिर जुलूक का जो रूट आप देख रहे हो, ये एक्चुअल में अगर देखा जाए तो काफ़ी टाइम पहले तक, जो कि जब तिब्बत हुआ करता था, अब तो खैर चीन ने उस पर अटैक करके उसको अपने अंडर में ले लिया है। सो गाइस अभी हम लोग जुलूक के रास्ते में एक व्यू पॉइंट है गणिक व्यू पॉइंट के नाम से, वहाँ पे रुके हैं और इसका व्यू आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए क्या रोड है, ये पूरा का पूरा मेरे पीछे देख रहे हैं, पूरा का पूरा जो है गणिक व्यू पॉइंट का ये रोड है। इसको सिल्क रूट भी कहा जाता है। और चलते हैं आगे, अभी जुलूक चलना है, वहाँ पे भी एक पॉइंट है, वहाँ पे रुकेंगे। अब तिब्बत के टाइम तक इसका यूज हुआ करता था और इसका यूज आम तौर पे कहा जाए कि व्यापारियों द्वारा, जो वहाँ के जो बिजनेसमैन थे उनके द्वारा ये मेन हब हुआ करता था। और यह रूट कालिंगपोंग से शुरू हुआ और पेडोंग और अरितर होते हुए जेलेप्ला से होते हुए तिब्बत की चुम्बा घाटी तक गया हुआ है। पूर्वी सिक्किम में निचले हिमालय के उबड़ खाबड़ इलाके में लगभग 10,100 फीट की ऊंचाई पर स्थित जुलूक या द जुलूक एक छोटा सा गांव है, जो कभी तिब्बत से भारत तक का हिस्टोरिकल सिल्क रूट हुआ करता था। अगर इसके बारे में देखा जाए तो ये बहुत छोटा होने के बावजूद भी बहुत खूबसूरत है और इस छोटे से गाँव में ओनली 700 लोगों का पॉपुलेशन है जो की यहाँ पे रह रही है। और जुलूक इंडियन आर्मी का बेस भी है, जिसका यूज जो है, जुलूक का यूज बेसिकली इंडियन आर्मी जो है इंडियन इंडो चाइना बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए करती है। और अगर बात करें इस सिल्क रूट का, तो ये सिल्क रूट मतलब जो आज हम लोग होम स्टे का कॉन्सेप्ट जो देख रहे हैं, जो कि होम स्टे हम लोग कहीं भी जाते हैं तो होम स्टे लेते हैं, होम स्टे का कॉन्सेप्ट अवेलेबल करने वाला ये पहला विलेज है। और यहाँ से जुलूक से जो कि अप्रोक्स 14 किलोमीटर डिस्टेंस पे एक थाम्बी व्यू पॉइंट है, जहाँ से माउंट कंचनजंगा का जो रेंज है उसका मतलब एक कहा जा सकता है मैजिकल व्यू जो है आपको थाम्बी व्यू से थाम्बी व्यू पॉइंट से मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये इंडियन जो सिटीजन है सिर्फ उनके लिए खुला है और आपको यहाँ परमिट लेने की जो है जरूरत पड़ेगी, इसलिए यहाँ विदाउट परमिट आप नहीं आ सकते हैं क्योंकि ये एक रिस्ट्रिक्टेड विलेज है। तो चलिए आगे चलते हैं, रास्ते में कुछ अगर दिखता है तो दिखाते हैं। क्यों ये पाइन ट्री की छोटी सी फॉरेस्ट है जो कि काफी खूबसूरत इको नेचर पार्क बनाया हुआ है। यहाँ है तो काफी नीचे तक जाने का, बट हम लोग इतना नीचे जा नहीं सकते अभी, तो
तो चलिए चलते हैं ऊपर पहाड़ों के बीच। मैगी तो अमन अभिमन्यु भाई ने बनाया था, अभी मैं कॉफ़ी बना रहा हूँ। चलिए लास्ट सीरीज ही, वीडियो का लास्ट ही होने वाला है सीरीज, और इसके बाद फिर मिलेंगे किसी नए सीरीज के साथ। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।